सवाल पूछे जाते हैं। सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज के तथ्यों को पढ़ेंगे, उसके थ्योरी पढ़ेंगे, उसके व्याख्यात्मक जो तथ्य हैं उनको पढ़ लेंगे, उसके बाद इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो आपके भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। अगर आप सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। वीडियो बड़ा होगा लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए हमें शॉर्टकट नहीं यूज करना है, क्योंकि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता सिवाय आपकी मेहनत का। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है। ऊर्जा के स्रोत से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, टॉपिक है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। तो मेरा सवाल आपसे है, ये जानते रहिएगा पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। फटाफट कमेंट करिएगा, निशुल्क क्लास देश हित में राष्ट्र हित में लेने भी दुर्गेश पर गेस्ट के रूप में मैं अपने बचे समय से आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग पहला काम इस वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपने ध्यान से देखा कि ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोतों को ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा स्रोत दो प्रकार से होते हैं, एक है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। महत्वपूर्ण है, इसकी एक एक ट्रिक हम बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये जानेंगे कि कैसे इन तथ्यों को हल करना है, कैसे सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचना है। अब आपका काम है, शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ध्यान रखिएगा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो कोई काम हम लगातार कई सालों से करते आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत कहते हैं। क्या कहते हैं, परंपरागत कहते हैं। अब बताइए, जैसे हमारे क्या था, पहले पढ़ने के लिए टीचर पढ़ाता था, बच्चों को लिखवा देता था, रटा देता, पूरी किताब छपवाता था। लेकिन अब आप आए जब ई लर्निंग भी दुर्गे से अन्य लोगों से जुड़े तो आपको पता चला, जी नहीं, किताबें हमारे ज्ञान में वृद्धि कर सकती हैं लेकिन नोट्स हमें सिलेक्शन दिला सकता है। कि सिलेक्शन के लिए हमें चीज़ों का एक ही जगह निचोड़ चाहिए, एक ही जगह कम समय में ज़्यादा तैयारी करने की मिले, इसलिए आप लोगों ने नोट्स पढ़ना शुरू किया और उसके एवज में आपने परिणाम देना शुरू किया। उसी प्रकार परंपरागत क्या है, लगातार ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जो प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। मैंने ऐसा पहले क्या था, जैसे आपने क्या किया, गर्मी लग रही है तो बेन क्या करते थे, पंखे चलाते थे। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप लोग ठंडक लग रही कोयला जलाया, कुछ देर बाद कोयला बुझ जाता था, ठीक है। खाना बनाना है, आग जलाया, कुछ देर बाद आग बुझ जाती थी। उसके लिए क्या किया आपने, कोयला, पेट्रोल, डीजल, माने इसका एक बार प्रयोग करने के बाद यह समाप्त हो जाए उसे हम परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें इसके अन्य नाम भी है जो परीक्षा में पूछा जाता है और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही पढ़ाने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मैं लाइव हुआ हूँ। बाकी ऊपर की लाइन तो आपको मिल जाएंगी। जी हाँ, धन्यवाद है सहायक अध्यापक आशीष जी का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे अनवीनीकरण ऊर्जा के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको एक नाम से क्या जानते हैं, अनवीनीकरण ऊर्जा, माने इसका दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। ध्यान रहे, इसको क्या किया जा सकता है, इसको दोबारा, जैसे कोयला जला दिया आपने, पेट्रोल जला दिया, डीजल जला दिया, तो क्या इसका नवीनीकरण कर सकते हैं, जी नहीं, ठीक। दूसरा क्षयशील, क्षयशील मतलब लगातार खत्म होने वाला है, जैसे लगातार आप क्या करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कोयला है क्या करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे खत्म हो जाएगा। पेट्रोल अगर आपने 10 लीटर लिया है तो अब उसको अगर 10 लीटर यूज कर लेंगे पेट्रोल क्या हो जाएगा, खत्म ना हो जाएगा। फिर देखिए समापनी ऊर्जा, माने क्या कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगी, अगर यही प्रक्रम रहेगा समाप्त हो जाएगी, इसे हम समापनी ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अवैकल्पिक ऊर्जा, इसे अवैकल्पिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अपूरी ऊर्जा, माने अपूरी, पूरी ऊर्जा नहीं है, ठीक है। देखिए जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है वो तीन डॉट बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो पूरी तरह से HD में चल रहा है और पूरी तरह HD सबको दिख रहा है। आप इसे 360p पर देखिए या 480p पर देखिए, आपको एकदम HD दिखेगा। 720p पे देखिए, एकदम HD दिखाई देगा, ठीक है। ये इसके परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम हो गए। अब जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर आपकी संख्या कम रहेगी तो मुझे सीरीज बंद कर देनी पड़ेगी। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, फिर मजबूरन मुझे बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी बेहतरीन सीरीज जो आपके लिए चल रही है, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को। अब हम और आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें। अगला है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ये गैर परंपरागत क्या होगा, ये वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो प्रयोग के द्वारा समाप्त नहीं होते, उनकी पूर्ति लगातार स्वयं होती। जैसे अब बताइए, अगर आपने सोलर पैनल से, आज सोलर पैनल आपका चार्ज हो गया तो क्या कल के लिए सूरज नहीं निकलेगा, सूरज हमेशा निकलेगा, उसकी किरण डेली आएगी और उस खत्म नहीं होगा, माने यहाँ पे सौर ऊर्जा। याद रहे गैर परंपरागत, माने पहले परंपरा में नहीं था, अब लोगों ने शुरू किया तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए, ऐसे समझिएगा। पवन ऊर्जा, ये क्या खत्म हो जाएगी, इससे पहले ध्यान दीजिएगा, पवन ऊर्जा, ठीक।
जल ऊर्जा, जल से जो ऊर्जा है भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत नहीं है, कौन स्रोत है, कौन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ऐसे आजकल प्रश्न आता है नहीं और हाँ करके। वैसे आज की जो सीरीज कराएंगे हम MCQ कराएंगे, वहाँ पर इससे जुड़े हुए सारे सवाल आपके क्लियर कर देंगे। लेकिन मेरा भी आपसे सभी से निवेदन है, अगर मैं इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ, आपका भी एक कर्तव्य बनता है इसे अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचाने का। अगर आप ऐसा करेंगे तभी हम आपका सहयोग कर पाएंगे, वरना मैं भी चाहता हूँ इतनी मेहनत मैं आपके लिए करूँ और आप इतना भी ना करें। अब देते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के अन्य नाम क्या क्या, परीक्षा प्राय ये भी पूछता है इसके अन्य नाम क्या क्या है। आइए ध्यान से देखते हैं इसके अन्य नाम क्या है। पहला नवीकरणीय, वो अनवीकरणीय था या नवीकरण, इसे नया किया जा सकता है। आज आपने सोलर पैनल का यूज कर लिया, कल भी परसों भी आने वाले हर उस दिन पवन ऊर्जा, आज हवा चल रही है ऊर्जा किया, कल भी चलेगी परसों भी चलेगी। जल ऊर्जा, टरबाइन चलाकर आप बिजली बना लेते हैं, भूतापी ऊर्जा जमीन से ले लेते हैं, ज्वार भाटा से ज्वारी ऊर्जा, माने यह ऊर्जा नवीकरणीय है। अच्छयशील, ये क्षय नहीं होगा, ये अच्छयशील है। असमापनी ऊर्जा, जल्दी समाप्त नहीं होगा, समाप्त ही नहीं होगा। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, माने यह वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। पूरी ऊर्जा के स्रोत, माने इनके ये उपनाम है जो प्रायः परीक्षा में इन नामों से जब प्रश्न आता है तो हम और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इससे और अच्छी तरह से स्पष्ट करके बता दूंगा, ठीक है। आप लोग चाहते इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, टाइम आप लोग को नहीं पता है क्या, आप लोग डेली टाइम शेड्यूल सेट करके ही पढ़ा करिए। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, चलिए थोड़ा तेज से पढ़ाएंगे अब। देखिए आज की वीडियो छोटा रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवाश्म ईंधन, इसे फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं, यह है डीजल हो गया, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है, फॉसिल्स फ्यूल, इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद पृथ्वी पहुंचने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, थियरी मैंने पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं यहाँ से MCQ को हल करेंगे, अगर जो बाद में जुड़े हैं वो इसकी स्क्रीनशॉट रख लेंगे, इलेनी बुद्रगेस पर हमेशा काम देगा, हमेशा। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, बस क्लिक हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं MCQ प्रश्नों की तरफ, सभी लोग ध्यान से इसको प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहले आपका निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अब बताइए, सभी लोग बताइए, जितने लोग लाइव वीडियो भी देख रहे थे, अब यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करना है और जवाब भी देना है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दें जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। नवीकरणीय, तो यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प भिन्न दिख रहा है। देखिए कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, मतलब चारों में से कौन सा अलग उत्तर दिख रहा है, तो आपको लगा कि ये कहीं है सौर ऊर्जा यह। इसलिए अगर आपको नवीकरणीय नहीं याद है तो इन चार विकल्पों में से ये देखेंगे कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है, कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है, उससे आप लोग इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे। क्लियर हो गया, किसी के मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके बताएं। समझ में आ गया नवीकरण क्या है, अनवीकरण क्या हो गया। जी हाँ, एकदम सही जवाब दिया आपने, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा फॉसिल्स फ्यूल, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, मतलब इस क्लास में अंत में जब मैं थ्योरी पढ़ा तो उसके अंत में हम लोगों ने पढ़ा, क्लास छोटी होगी कि आप लोगों की संख्या काफ़ी कम है इसलिए हम कम में पढ़ा देंगे। अब यहाँ बताने कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम नहीं है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पे कोयला है, ये जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम है, डीजल पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन यूरेनियम ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, गलत। इसलिए जो गलत है वही सही है। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है। सबके सही हो रहे हैं, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो प्रायः हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आज की सीरीज आपने एक बार पढ़ लिया तो यकीनन आप सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। जी हाँ, नोट्स आपको उपलब्ध हैं, नोट्स आप ले सकते हैं लेनी भी दुर्गेश से, और मैं उम्मीद करता हूँ एक बार नोट्स जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि किताबें आपके पास बहुत सारी होंगी, लेकिन नोट्स आपके लिए चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना, ये आपके लिए निश्चित कर देता है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, भारत का है, जर्मनी का है, विश्व बैंक का है, किसका है,
मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, जितने लोग इस वीडियो को ए बता रहे हैं उन सभी के जवाब क्या है, पूरी तरह से सही है। अगला आपके सामने, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, मैं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे से फेसबुक पे चाहे से यूट्यूब पर, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। जल विद्युत की कमी, गलत। कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, गलत। तापीय ऊर्जा की कमी, गलत। कोयले तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा, जी हाँ सबसे ज़्यादा यही है, डी। डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, मतलब इससे अब लग रहा है कि आप लोग उत्तर सही जवाब देते जा रहे हैं और सिलेक्शन के धीरे धीरे करीब होते जा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। सब जानवर है, जानवर नहीं नहीं नहीं, हम लोग छोटे मोटे जानवर अलग बात है, हम लोग लाइव सेशन पढ़ लीजिए। धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन सबसे अच्छा स्रोत है, आइए ध्यान से देखते हैं। यहां पर देखिए, अगर धारणी विकास के बारे में एक लाइन पहले बता दूं, माने विकास अगर पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए अगर विकास कर रहे हैं तब उसे हम धारणी विकास के अंतर्गत रखते हैं, माने बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। तो यहां पर क्या होगा, जल विद्युत ये बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए आपको ऊर्जा देगा, विकास करेगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। याद रहे एक तरीका और है, मैंने बताया चार विकल्प में से जो भिन्न दिखे, जैसे कोयला, खनिज तेल, परमाणु ऊर्जा, ये समाप्त होने वाला है, जल विद्युत समाप्त होने वाला नहीं है, जो अलग दिखे, जो डिफरेंट करके लगाइए और आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, बायोमास, मिट्टी का तेल। एकदम आसान सा प्रश्न है, सभी लोग का फटाफट जवाब दीजिएगा, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर चाहे ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऐप पर, देखिए ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, सभी लोग टेलीग्राम जरूर इंस्टॉल करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग पे दुर्गेश है। जी हाँ, कोयला क्या है, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, इसमें कौन सा अलग है, तो आपने कहा सर बायोमास, सीज़ का हो गया, मतलब जो डिफरेंट लगे, जो अलग लगे, जो विषम लगे, जो ऑड लगे वो अलग कर दीजिए, सी। ठीक है, आज आप लोग यार इन वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पैसा कट जाएगा क्या आपका, चलिए अगर संख्या कम रहेगी तो हम जल्दी समाप्त कर देंगे। निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूष्मीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सौर ऊर्जा बी, सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल किया जाता है, सौर ऊर्जा। ठीक, आज भी सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय, एकदम आसान सा प्रश्न है, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी ए। कितना तेजी से आप लोग सही करते जा रहे हैं, इससे बात स्पष्ट होता है कि आप लोग सिलेक्शन के करीब हैं। बस एक बार यहां आप सीरीज पढ़ लेंगे, जीवन में कभी यहां से गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके,
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? फटाफट कमेंट करिए। यार इसको बताना पड़ेगा, सूर्य से। एकदम हलवा प्रश्न है, सूर्य से। इतना हलवा कर देंगे ना, कभी भी कोई सवाल यहां से आएगा गलत नहीं होगा, जितना मैं पढ़ा दूंगा इस बात की पूरी तरह से गारंटी है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरणीय अनुकूल है? बताइए पर्यावरण का अनुकूल कौन सा है? पेट्रोल उत्पादन, वन उत्पादन, आपकी विघटन, सौर सेल। बताइए चलिए फटाफट कमेंट करके। सौर सेल, ठीक है, क्या होगा? सौर सेल। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में ऊर्जा स्रोतों में से कौन प्रमाणी प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? जल्दी कमेंट करिए, जवाब दीजिए। सौर ऊर्जा, सारे का उत्तर सौर ऊर्जा। मेरा उद्देश्य यह है कि एक बार अगर तथ्य को पढ़ लें, एक बार सीरीज को पढ़ लें, तो यहां से प्रश्न कभी भी भविष्य में गड़बड़ ना होने पाए, गलत ना होने पाए, इस बात की आप लोग को विश्वास हो जाना चाहिए। ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? एकदम हलवा प्रश्न है, सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बताइए चलो फटाफट कमेंट कर, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जल्दी कमेंट करिएगा। नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। नई दिल्ली, ये वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर ये बताया उनके सभी के जवाब सही है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? बेंगलुरु, कोची, अहमदाबाद, कोझिकोड। बताइए फटाफट कमेंट करके। कोच्ची, बहुत कम संख्या है आपकी, बहुत ही कम संख्या है। 20 का सही जवाब है। अगला है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। सभी लोग, सत्य नहीं है, जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है, सही बात, ठीक। जैव ईंधन की लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, सही बात है, प्रभावी लागत से। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, जो गलत है वही आपका सही होगा, ठीक है, जो गलत है वही आपका सही होगा। कौन सी बायोडीजल की फसल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने सीरीज को पूरा पढ़ लिया तो यहाँ से हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा मिलेंगे, एकदम हूबहू। और आप भी कहेंगे काश आपने भी इलनी विद दुर्गेश को पहले ही ज्वाइन किया होता, ठीक है। चलिए ध्यान दें, जेट्रोफा, रतन ज्योत, अगला, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, पावर एल्कोहल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसे सीएनजी कहते हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही जवाब देता है। शुरुआत में नोट्स में था, अगर आपने लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो शायद आपको याद होगा हाइड्रोजन इस प्रश्न का सही जवाब है। ए वालों के जवाब सही हैं, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब सही हैं।
जी हाँ, नोट्स में था। अगर आपने नोट्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मैं बार बार कहता हूँ, किताबें चाहे जितनी पढ़ लीजिए, नोट्स अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारा समरी जो होता है उसका आपके दिमाग में फीड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ए। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। अब आपको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। गलती मत करिएगा परीक्षा हाल में, यहाँ चाहे जितनी गलती कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सीख रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन आपको परीक्षा हाल से मिलेगा। यहाँ से सीखेंगे और परिणाम वहाँ ले जाकर देंगे। हाइड्रोजन वालों का जवाब फिर से सही है। भारत का सबसे पहला जैविक खेती आधारित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है, मेरे द्वारा देशित में राष्ट्रित में। ये जौनपुर जनपद से सभी नोट्स और क्लास यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सिक्किम इस प्रश्न का सही जवाब है। सिक्किम रट लीजिएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। ठीक है, ये 22वां राज्य, इससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 36 सहराज उसके बाद राज्य बनाया गया 1975 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सवा हवाई अड्डा भी बना था भारत का। सिक्किम केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। सिक्किम कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पासकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मत वीडियो को शेयर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन ऐसे प्रश्न को कभी गलती मत करिएगा। आज की वीडियो छोटी होगी क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। 10-10 लोगों को डेली क्लास में जोड़िए। सूर्य का प्रकाश पास्की तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ए वालों ने जवाब एकदम सही दिया है। ए वालों के एकदम सही जवाब हैं। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, तप्त भौजल के किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौजल भूतापी ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मूलवी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, क्या होगा? देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब दिए हैं। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया उनका थैंक यू, उतने लोगों थैंक यू। शेयर करेंगे लोगों तक पहुंचेगा, लाइक करेंगे इससे कोई मतलब नहीं, शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचे। देखिए, तप्त भौजल बहुत लोगों ने एकदम गलत बताया, अभी तक किसी ने इसका उत्तर सही नहीं बताया। सोचिए, मूलवी ऊर्जा इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? मूलवी ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। रट लीजिएगा, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। फटाफट कमेंट करिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के देखा जाए तो यहाँ पर विकल्प गलत है और मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए, ज्वारी भी है, भूतापी भी है, सौर ऊर्जा भी है। उदाहरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए तो नहीं है, नहीं है होना चाहिए था, टाइप नहीं हो पाया कि का एक उदाहरण नहीं है। का उदाहरण यहाँ पे देखिए, होना चाहिए था नहीं है, यहाँ होना चाहिए था नहीं है, तभी आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, वैसे सभी जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे प्रश्न गलत टाइप हो गया है, आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, पूरा अधूरा रह गया। अगला है आपके सामने, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को कम काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं? उष्मी, परमाणु ऊर्जा कहेंगे नहीं, ज्वारी ऊर्जा कहेंगे नहीं, उष्मी और भूतापी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूतापी। देखिए कितना आसान तरीके से आप प्रश्न का जवाब देते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक सारे प्रश्न आपके सही होते जा रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भूतापी ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, इस ऊर्जा के सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र हैं जहाँ तापी विद्युत संयंत्र हैं, जो भूपरपट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर हो, जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं जहाँ कोयले की खाने हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।
बताइए इसे फटाफट कमेंट कर। भूतापी ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा स्थल बताइए फटाफट कमेंट करके। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ भूप्रपट्टी में तप्त स्थलों से ऊपर हो, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। सोचिए आज क्लास आपकी जल्दी खत्म होगी क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, कोयला, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन? सबसे अधिक फटाफट कमेंट करें आप लोग। टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा, जो नए लोग आ रहे हैं दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। बताइए कोयला सही जवाब, कोयला वालों का सही जवाब है, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, आपका पहला सवाल है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, कल की सीरीज में था, पिछले सीरीज में। यह स्वच्छ ईंधन है या उच्च ऊष्मीपान है, या नीचे ज्वाला से जलने वाला है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, क्या होगा? लिखिए, यह एक स्वच्छ ईंधन है या उच्च ऊष्मीपान वाला है, या नीचे से ज्वाला से जलने वाला है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला? जी नहीं, यही गलत है, इसलिए प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही आपका सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सही जवाब। बायोडीजल तैयार किया जाता है, यूड्रिक्लोरिया, यूकेलिप्टस, देवदार, जेट्रोफा? जेट्रोफा सही जवाब। भूतापी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, भूतापी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत, पारंपरिक, अनवीनीकृत? अपारंपरिक है, अनवीनीकृत है, ये मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, बताया था इसके जो उपनाम है वो भी परीक्षा में पूछा जाता है। मैं पढ़ाते समय बार बार रिपीट कर रहा था, इसलिए मैं थ्योरी पहले पढ़ाया था कि थ्योरी पहले पढ़ लेने के बाद तब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करें, लेकिन जो वीडियो में अंत में जुड़े हैं वो एक बार प्रारंभ से जरूर देख लेंगे। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, देखते हैं प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन बताता है, सबसे सही कौन बताता है। वीडियो को 102 बार देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि दो बार देख लेंगे तो बुखार हो जाएगा आपको। एकदम सही जवाब, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस प्रश्न का सही जवाब है। पर्यावरण संरक्षित ईंधन है, पर्यावरण संरक्षित ईंधन है, पर्यावरण संरक्षित ईंधन है, गैस, डीजल भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं, किरोसिन नहीं, उस हिसाब से गैस है, चारों विकल्प हिसाब में देखा जाए तो गैस होगा। चलिए आप लोग, ये आखिरी क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह नंबर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, जहाँ से सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग अभी तक अगर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और यह क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर टेलीग्राम पर जुड़िएगा दुर्गेश सर सर्च करके, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। आज का आखिरी सवाल है, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है, कोयला भी नहीं होगा, पेट्रोलियम भी नहीं होगा, यूरेनियम नहीं होगा, पौधा इसलिए हो जाएगा, ये भी पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन विकल्प के हिसाब से अगर आप देखें इस प्रश्न का उत्तर पौधा हो सकता है। इसी के साथ आज की क्लास क्लोज होती है, फिर मिलते हैं कल इसी के समय, आप लोग टाइम से वीडियो में लाइव आइएगा, और जो लास्ट में जुड़े हैं वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे, क्योंकि पहले हमने थियरी पढ़ाया है, फिर उनसे जुड़े हुए सारे एमसीक्यू प्रश्नों को हल करा दिया है। इसके बाद कुछ देर के बाद अगली क्लास होगी, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आप लोग जुड़े रहिएगा। आज कुछ स्पेशल नोट्स आपके लिए रिलीज की गई हैं, जितने लोगों जुड़े होंगे उन सभी को आज नोट्स मिल गया होगा, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक एक तिनका रख रख कर, एक एक ईंट रख कर आपकी नींव ही नहीं मजबूत करना है, बल्कि आपके पूरे मंजिल के, आपके सपनों के उस
शिखर के अंतिम बिंदु तक ले जाना है। बस अब अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और जो वीडियो के लास्ट में जुड़े हैं प्रारंभ से देख लेंगे, शुरुआत में मैंने थियरी पढ़ाया है और उसके बाद मैंने जो थियरी नोट्स के आधार पर पढ़ाया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। कल फिर मिलिएगा टाइम से, हर क्लास की मोबाइल में शेड्यूल लगा लीजिए, दो दो मिनट लेट हो सकते हैं लेकिन आएंगे जरूर, क्लास जरूर लेंगे हम। बाय बाय।